नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। रीड शिक्षक भर्ती की जो हमारी सीरीज चल रही है सामाजिक अध्ययन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 8 की बुक से टॉपिक। तो दोस्तों, मैंने कल आपसे कम्युनिटी में वोट मांगी थी, तो आपके सबसे ज़्यादा जो वोट आए हैं वो आए थे टॉपिक 1857 की क्रांति। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट के एग्जाम में। और अगर आप और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है, तो आप छोटे से छोटा एग्जाम चाहे ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, या बड़े से बड़ा IAS का एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये टॉपिक 1857 की क्रांति ज़रूर आता है। उससे कुछ मतलब छोटे एग्जाम में छोटे प्रश्न बोल लिए जाते हैं, बड़े एग्जाम में थोड़े बड़े प्रश्न बोल लिए जाते हैं। तो रीट में एक एग्जाम में भी 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक इससे समझा पाऊँ, जो कि कक्षा 8 की बुक में दी हुई है वो। ठीक है दोस्तों, अगर अन्य क्लासों में जो 9th, 10th और 12th के अंदर किताबें आएंगी, वहाँ पर भी अगर इसका कुछ वर्णन आएगा तो वहाँ भी हम इसको वहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए दोस्तों, पाठ नंबर 18 है, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा पढ़ते हैं कि क्रांति से पहले हुआ क्या था। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव डाली, यानी 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेज उसमें जीत गए थे और उन्होंने बंगाल में अपना साम्राज्य डाला। धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने जो है छल कपट का यानी फूट डाल राजकीय नीति का अपनाई, भारतीयों की आपसी फूट का फायदा भी उठाया। इसी दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों और विश्वासघाती पीड़ितों के भारतीय कई स्थान पर विद्रोह और संघर्ष भी किया, जैसे बंगाल में सन्यासियों का विद्रोह हुआ, महाराष्ट्र में रोमांसी जाति का हुआ, पूरे देश में अलग अलग जनजातियों ने अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने समय समय पर संघर्ष किया, परंतु ये सारे प्रयास स्थानीय स्तर पर और अलग अलग समय हुए, अतः वे व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए। अंग्रेज राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी देशव्यापी क्रांति 1857 में हुई थी और इस क्रांति को जनता का विस्मरण था, अतः इस देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 में यह क्रांति किसी घटना या कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि विगत 100 वर्षों से अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में जो अनुचित हस्तक्षेप किए थे, जो अपनी टांग घुसाई थी भारतीयों के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, उनके विरुद्ध भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया थी इस स्वतंत्रता संग्राम के होने के निमित्त कारण। अब देखो, पहला कारण है राजनीतिक कारण, क्या रहा। क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था बना दिया। यानी जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो व्यापार के मकसद से आए थे। रॉबर्ट क्लाइव है, उसने अपनी कूटनीति से उस व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक कंपनी यानी राजनीतिक संस्था बना दिया। वेलेजली और हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से राज्य वृद्धि के प्रयास किए, यानी जो वेलेजली है या हेस्टिंग्स है, इन्होंने अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से ही क्या है राज्य वृद्धि के प्रयास किए। कालांतर में जो डलहौजी है, उसने साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। जिन देशी राजाओं की कोई संतान नहीं थी, उन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में लाना शुरू किया। हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा है, पुत्र नहीं होने की स्थिति में राजा लोग अपने रिश्तेदार या बिरादरी में किसी लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गोद ले लेते हैं। राजा के मरने के बाद वही लड़का राज्य का स्वामी होता था। डलहौजी ने इस प्रथा को अमान्य कर दिया और गोद निषेध नीति कहलाती है। इस नीति के प्रभाव अनेक राज्यों पर, जैसे संबलपुर है, जैतपुर है, सतारा है, नागपुर है, बिठूर, झांसी आदि। सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राट भी भारत का बादशाह था, परंतु उसका अपमान किया गया। सिखों पर उसके नाम के बजाय इंग्लैंड के राजा का नाम उत्कीर्ण किया गया। इसी प्रकार पूर्व में मराठा पेशवा से उसका साम्राज्य जिनको उनकी पेंशन बंद की गई। कालांतर में उसके पुत्र नवीन पेशवा नाना साहब की पेंशन बंद की गई। इससे भारतीय जनता में, जनमानस में रोष व्याप्त हुआ। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से भारत के शासक चिंतित हो गए। अंग्रेजों ने साम्राज्य के दौरान भारतीय शासकों को संधि किए हुए उसे वादा किया कि अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से देशी शासकों के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किया और बाद में प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर कुछ राज्यों को हड़प भी लिया, जैसे अवध का राज्य हड़पा था। शासकों के अतिरिक्त सामंत वर्ग भी अंग्रेज सेना था। यहाँ का सामंत वर्ग अपनी जनता से कर वसूल करता था और युद्ध के समय राजा को सैनिक शक्ति प्रदान करता था। अतः दरबार में सामंत समान था, किंतु सहायक संधियों के बाद जो है शासकों की सामंतों पर निर्भरता खत्म हो गई और राजाओं ने सामंतों के अधिकार में कटौती कर दी। सामंत इस कारण अंग्रेज शासन को मानते थे, जिसमें मेवाड़ की सामंत विशेषता है।
रावत केसरी सिंह सलंबर महाराणा की देवव्यास से अंग्रेजों की शह पर जान जान जो है मानते थे, और जोधपुर में ठाकुर जी सिंह आली निवास पोलिटिकल एजेंट से नाखुश था। जयपुर में दीवान जुहन जुतराम ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों से उसके पैतृक अधिकारों से वंचित करने बाध्य किया। जोधपुर में हुआ अशोक गुल्लर आली निवास के समर्थन शासक नारे थे, अपनी शक्ति इंतजय करना अंग्रेजों को मानते थे, और शासक और सामंतों के निर्णय की स्वतंत्रता भी कंपनी शासन में खत्म हो गई थी। सामाजिक व धार्मिकरण, सामाजिक और धर्म के नाम पर भारत के जीवन में अंग्रेजी शासन ने जो है हस्तक्षेप शुरू किया। इसके भारतीयों में तीव्र विक्रिया, जैसे अंग्रेजों ने जो है भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। एक सामान्य अंग्रेज भी बड़े बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था, भारतीय रीति रिवाजों में मजाक उड़ाया जाता था, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। इससे भारतीय समाज में नाराजगी, और सबसे बड़ी बात धार्मिक क्षेत्र में ईसाई धर्म की प्रथा छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों ने कमजोर वर्ग को धर्म परिवर्तन का आरंभ किया। भारतीय देवी देवता पूजा विधियों में खिल्ली उड़ने लगी। जेल में कैदियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद ही कैदन लगा। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनकी सजा कम की जाती, अन्य कैदियों की तुलना में सुविधा दी जाती, ईसाई बनने वालों को सरकारी नौकरी में उच्च पद पर उठाया जाता। इस नीति से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर विद्रोह पैदा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आज हमने जो है राजनीतिक और आपके सामाजिक व धार्मिककरण देख लिए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे फिर आर्थिककरण, सैनिककरण और कुछ और रहेगा, और फिर जो है 1857 की क्रांति का बारे में प्रारंभ से देखेंगे। ठीक है, जो स्टार्ट होगी वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।